हाय एवरीवन, माय नेम इज शांत भसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्ट्रोलॉजी। गाइस, एक गुड न्यूज़ है, मैंने एक नया चैनल और क्रिएट करा है, द इन्वेस्ट्रोलॉजी बाय शिवांश भसीन। उस पर मैंने ऑलरेडी एक इंट्रो वीडियो डाल दिया है जिसमें हमने बता दिया है कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं उस वीडियो पे। एक और वीडियो आज मैंने अपलोड कर दिया है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। सो गाइस, आप लोग अगर अभी तक कंफ्यूज होना कि मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है, क्या ट्रेंड होता है, कैसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमें पहला ट्रेड बाय करना है, तो गाइज वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सब कुछ कवर है, टाइमलाइन के साथ दे रखा है। अगर आपको कुछ आता है तो आप आगे स्किप करके देख सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर, अगर आप लोग एक्चुअली में आप सीखना चाहते हैं ना, क्योंकि उस चैनल पे सिर्फ कंटेंट सीखने वाला होने वाला है, इस चैनल के अंदर सिर्फ हम लोग 3 स्टॉक्स और लाइव आया करेंगे एंड अपने चीजें यहाँ पर ही डाला करेंगे। इसके अलावा वहां पर हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं ना, ओनली जेन्युइन सब्सक्राइबर्स वी नीड देयर। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। आज की मार्केट बहुत अच्छी रही, एक बहुत अच्छा गैप अप हमें देखने को मिला और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गई है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल्स तो हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसके अंदर हम जो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टॉक की एनालिसिस बहुत अच्छी चल रही है, सबके टारगेट सेट कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज गोइंग सो फार गुड। अगर आप लोग अभी तक चैनल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं करें ना, तो सबसे पहले जाके वो ज्वाइन करिए, बिकॉज वहां पर आपको लाइव मार्केट के अंदर क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कैसे काम करना है, वो सब चीजें दी जा रही हैं। सो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। अब बात करते हैं कि कल के मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है, कौन से स्टॉक्स बढ़िया दे सकते हैं परफॉर्मेंस और निफ्टी बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या दिखा रहा है। तो गाइस हम अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा में अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा चैनल बना हुआ और एक बहुत अच्छी अपमूव के बाद एक कंसिस्टेंट अपमूव आई है। आफ्टर दैट एक लॉन्ग चैनल था, अब इस चैनल के लोअर लेवल से अपने सपोर्ट लेवल से एक अच्छा फॉर्मेशन बना के अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। आई डेफिनेटली थिंक ये एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है स्टॉक। इसे ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर कवर करा हुआ है और अभी ये थोड़ा सा प्रॉफिटेबल ट्रेड चल भी रहा है, बट आप तब भी इसे बाय कर सकते हैं। लेट मी शो यू कि इसके अंदर चल क्या रहा है। अगर आप देखोगे तो जो पिंक कलर की लाइन आपको दिख रही है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट के थ्रू काम कर रही है। अब आप देख सकते हैं कंटिन्यूस फॉल आई, ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, अगेन नीचे आया, प्रीवियस लो को ब्रेक करा, अगेन ऊपर गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया बट नीचे आया एंड आफ्टर दैट इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम। इसने एक बेस स्ट्रक्चर क्रिएट करा एंड इस बेस स्ट्रक्चर के बाद अब ये ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। डेफिनेटली गाइस, हमने प्रीवियस दोनों स्विंग हाई के ऊपर जाके आज क्लोजिंग दिया है, डेफिनेटली एक अच्छी मोमेंटम ये स्टॉक दिखा सकता है। प्राइस चल रहा है अभी 3388 रुपीज के आसपास का। आप डेफिनेटली इसे अभी भी बाय कर सकते हैं या बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो मेरा टारगेट है दैट शुड बी अराउंड 3580-3600 रुपीज का। स्टॉक का नाम है ग्लैंड फार्मा। बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। गाइस मेरा दूसरा स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं दोबारा कवर कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल, ये स्टॉक मैंने आप लोगों को अभी टेलीग्राम चैनल पे भी 2 दिन पहले दिया था। परफॉर्मेंस कैश के अकॉर्डिंग तो ज्यादा बढ़िया नहीं आई है, ज्यादा बड़ी अपमूव नहीं आई है, बट ऑप्शन भी हमने दिया था आपको 7.5 रुपीज का ऑप्शन था और अभी 9.5 रुपीज छू के आया है आज के दिन पे। बढ़िया प्रॉफिट्स है और उसके स्क्रीनशॉट्स भी मैं अभी डालने वाला हूँ टेलीग्राम पे, तो आपको ऐसा ना लगे कि हमने कुछ ये दिया नहीं, और आप स्क्रोल करके भी चेक कर सकते हो। अब जो भी मैं यहाँ दे रहा हूँ ना, सीरियसली अगर आपको हमारी एनालिसिस में ट्रस्ट है, भरोसा है, तो ट्रेड लेने की कोशिश करो। जो टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ उसके साथ लो और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करो। अगर लग रहा है कि आप तब भी लॉस में जा रहे हो तो हम बात करेंगे, चेक करेंगे कि क्या रीजन है लॉस में यार जाने का, क्या आपके साइकोलॉजी का रोल प्ले हो रहा है एंड तब डिसीजन लेंगे। बिकॉज अब टाइम आ गया है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, तो यार थोड़ा सा ना फोकस करके करना पड़ेगा और अब सीरियस होना पड़ेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। ये नहीं है कि रैंडम कोई भी वीडियोस खोल लिए, किसी के भी 3-3 स्टॉक्स देख लिए, किसी के भी 5 स्टॉक्स देख लिए, उसके बेसिस पे कुछ भी उल्टा सीधे ट्रेड उठा रहे हो, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ट्रेड नहीं उठाना, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछना बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं अंबुजा सीमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन 2015 से अगर आप चेक करोगे ना, 2015 पे इसको टेस्ट करा था 279-280 रुपीज को, उसके बाद से कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है। अब फाइनली 6 साल बाद जाके इसने एक ब्रेकआउट दिया, अब ये रीटेस्ट करने आया है और इस लेवल से रीटेस्ट करके अभी ऊपर जा रहा है और अब ये मेंटेन कर रहा है हायर हाइज एंड हायर लोज का सिस्टमैटिक रूल। आप देख सकते हैं फॉल करा, ऊपर गया, नीचे गया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, अब ऊपर जा रहा है। डेफिनेटली गाइस कैश प्राइस पे अभी भी सस्ता मिल रहा है, बाय कर सकते हो। ऑप्शन के लिए टेलीग्राम में आप जाके सर्च करो, ऊपर ही मैंने बता रखा है 2-3 दिन पहले, और वहां पर जो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस मैंने दे रखा है वो उस लेवल पे मिलता है तो दोबारा बाय कर सकते हो। मेरे को लगता है ये 350 का जो मिनिमम टारगेट है ना वो बहुत ईजिली आ जाएगा, बट मैं और भी हायर लेवल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले जाके इसे कैश प्राइस पे जरूर बाय करिएगा। बात करते हैं थर्ड स्टॉक की।
सिंपल और इजी लैंग्वेज पे एनालिसिस समझा रहा हूं, तो पसंद आ रहा है लाइक करो, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि क्या क्या और चेंजेस कर सकते हैं इसको और अच्छा करने के लिए और आपको और बेटर समझाने के लिए। बात करते हैं अपने लास्ट टॉक की। सो गाइस हमारा लास्ट टॉक है पीईएल पिरामल एंटरप्राइजेस। पिरामल एंटरप्राइजेस पे भी सेम स्ट्रक्चर है, एक अच्छा फॉल आया आफ्टर अ वेरी गुड पुल बैक, अगेन नीचे आया, ऊपर गया, फिर पुल बैक देके लोअर लो क्रिएट करा, अब ऊपर गया तो इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जाके क्लोज करी, विच इज अ गुड साइन। दूसरी चीज, अभी ऊपर गया तो अभी एक रेंज बाउंड के अंदर कंसोलिडेट हो गया, यानी कि एक अच्छी जब बॉटम से रिकवरी आई तो दोबारा एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ। अब आफ्टर दैट इस रेंज का ब्रेकआउट हमें आज के दिन देखने को मिला। अब ये जो ब्रेकआउट आया है दैट मीन्स के जो लोअर लेवल्स पे एंटर नहीं कर पाए थे इन लेवल्स पे, उन लोगों ने दोबारा यहाँ पर एक री एंट्री लिया बिकॉज दे थिंक द प्राइस में गो अप, और डेफिनेटली एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। अब दो टाइप ऑफ ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं, एक तो जो ब्रेकआउट पे बाय करते हैं और जो पिछले होते हैं जो बॉटम पे ही एक अच्छा लेवल ढूंढ लेते हैं जहां पर वो ऑलरेडी बाय बना लेते हैं। अब दोनों सिनेरियो पे यहाँ पर बायर्स एंटर है। अगर कल एक मोमेंटम होना स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली गाइस जो प्राइस चल रहा है 2260 रुपीज का, ये 2360 2400 तक भी जा सकता है विद इन अ 2-3 डेज स्पैन ऑफ टाइम। सो डेफिनेटली इसे भी अपने वॉचलिस्ट के अंदर ऐड करेगा, एक मोमेंटम हमें बस पकड़ना है और उस मोमेंटम हम बीच में कहीं पर भी एंटर कर देंगे ये स्टॉक हमें पैसा देकर जा सकता है, बट मोमेंटम कल के दिन हमें इसमें दिखना जरूर चाहिए। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आई होप आपको ये 3 स्टॉक्स पसंद आए, इस पे एनालिसिस ले सकते हो, नहीं आए डू आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज, बट प्रॉपर और एक सिंपल क्वेश्चंस होने चाहिए। ये नहीं कि सर क्या टारगेट रखें क्या स्टॉप लॉस, पहले एनालिसिस समझ जाओ तो यू डेफिनेटली नो कि क्या टारगेट स्टॉप लॉस होने। ठीक है, सो गाइस अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट सेटअप की एंड ओपन इंटरेस्ट डाटा की। सो गाइस निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर लिया। सबसे पहले जो हमारी बात थी जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, इसके ऊपर गया था एग्जैक्टली इस लेवल पे, इसने रीटेस्ट करा, ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट पे डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम आया था। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड इन आवर टेलीग्राम चैनल की बैंक निफ्टी 38,300 को छू के जाएगी और निफ्टी 18,050 और 18,200 को छुएगी। पहला टारगेट निफ्टी ने ऑलरेडी अचीव कर दिया, अगले दिन ही मंडे की मार्केट पे अचीव कर लिया था, बहुत सारे कॉल ऑप्शंस ऑलरेडी इन होल्ड थे एंड उसमें भी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट ऊपर जा चुकी है, डेफिनेटली गाइस मार्केट में इतनी बात समझनी है कि सेलर्स आर नॉट देयर, जितने भी कॉल राइटर्स या पुट बायर्स थे वो ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं। बस तीसरी चीज जो हमें नोटिस में रखनी है कि यार आफ्टर अ वेरी गुड मोमेंटम ना, आफ्टर अ वेरी गुड गैप अप, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो सेलर्स का इंटरेस्ट तो नहीं, बायर्स का होल्ड करने में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स कि अभी भी मार्केट ऊपर जा सकती है, इट्स अ बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। जितने लोगों ने ना यहाँ पर बाय नहीं करा होगा, यहाँ पर बाय नहीं करा होगा ना, अगर मार्केट नीचे आएगी ना उनके मन में भी आएगा कि यार अब मैं एंटर नहीं कर पाया था, मैं अब एंटर करूंगा और बायर्स दोबारा एक्टिव होंगे, दैट मीन्स इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। और अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो भी हम लोग बाय कर सकते हैं, टारगेट इज स्टिल 18,200 जो कि सेकंड और लास्ट टारगेट है जो डेफिनेटली अचीव कर सकता है। ओपन इंटरेस्ट डाटा के साथ दोबारा क्लेरिफाई कर लेंगे, एक बार बैंक निफ्टी को भी चेक कर। इस बैंक निफ्टी का भी मैंने चार्ट ओपन कर लिया, बहुत बढ़िया था और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी करा था, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, डेफिनेटली उसका एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट पे हमने बोल दिया था 38,300 का 350 का टारगेट क्यों है। जब ये ब्रेकआउट आया था तो इसकी रेंज की अगर हम बात करें, ये रहा हमारा शोल्डर, ठीक है ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर का अगर मैं डिफरेंस लेकर चलूं एग्जैक्टली आ रहा है 38,350 का, एग्जैक्टली लेफ्ट शोल्डर का जो डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा मेजर लेवल का जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था यही हमारा टारगेट था। अब क्या हुआ, जब गैप अप हुआ डेफिनेटली उसके लेवल तक जाने की इसने कोशिश करी एंड आफ्टर दैट लेट मी शो यू कि हम लोगों ने आज कौन सा बढ़िया कैप्चर मूवमेंट और करी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छी मूवमेंट आई, नीचे आया, जो ये बड़ी अपमूव आई थी ना इसका रिट्रेसमेंट हमने लिया 61% का फिबोनाची के थ्रू, यहाँ पॉज लिया और एक दोबारा बड़ी मूवमेंट कैप्चर करी हम लोगों ने। सो गाइस ये चीज भी मैंने शेयर करी हुई है विद अ प्रॉपर चार्ट सेटअप कि आपको समझ में भी आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब एक बार क्लेरिफाई करते हैं कि और कहां तक ऊपर जा सकते हैं। देखिए निफ्टी निफ्टी के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस का लेवल है, बट अगर ये इसके ऊपर दोबारा निकल गया तो मार्केट और ऊपर जा सकती है, तो हम 40,000 भी इजीली देख सकते हैं, बट बाय ऑन डिप्स करना ही ज्यादा प्रेफरेबल हम लोग करेंगे। एक बार ओपन इंटरेस्ट के डाटा को स्टडी करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइस मैंने ओपन इंटरेस्ट का डाटा ओपन कर लिया, सबसे पहले अगर आप चेक करोगे निफ्टी पे तो निफ्टी पे 7th of March की एक्सपायरी है, तो 18,000 का जो पुट राइटर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं आज के दिन के अंदर 18,000 पे, यानी अगर कल नीचे जाती है तो बड़ी मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं ऑन हायर साइड, बिकॉज वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में या जो पुट राइटर्स हैं वो और पोजीशन कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज 17,900 यानी कि हर 100 रुपए के लेवल्स पे एक बड़ी पोजीशंस ऐड अप है। इसके अलावा 18,200 पे कॉल राइटर्स एक्टिव है 1.5 मिलियन, जो कि मेरा टारगेट ऑलरेडी है जो कि अचीव हो सकता है, एंड हाईएस्ट
कॉल राइटर्स आते हैं 18,500 पे, यानी कि अगर इतना दूर का है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो मैं मान के चल रहा हूँ वहां तक भी मार्केट की जाने की कैपेबिलिटीज है। अगर हम बैंक निफ्टी को चेक करें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर टाइप ऑफ आई थिंक डाटा होगा। यस, हैवी पुट राइटर्स एक्टिव हैं 38,000 पे और उससे बहुत ज़्यादा दूर है, बट सेकंड हाईएस्ट है 38,500 पे जिसपे 1.5 मिलियन पोजीशन स्टिल एक्टिव है, एक कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। मार्केट पे पुट राइटर्स हैवी जो एक्टिव हैं 38,500 पे है और 39,000 पे है, यानी कि 500 रुपये की गैप में है। मार्केट अभी ट्रेड कर रही है 38,700 पे, यानी कि 200 रुपए नीचे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, 300 रुपए ऊपर एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है और ये गैप है, ये देख रहे हो बड़ा वाला रेंज है। तो यानी कि बाय चांस कल मार्केट शायद साइडवेज भी रह सकती है। अगर कल मार्केट आपको बैंक निफ्टी मिलता 38,750 पे ना, तो क्या करना है 38,700 का कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट कर देना और 38,800 का कॉल शॉर्ट कर देना और 39,000 का कॉल बाय, 38,500 का पुट बाय। ये बेसिकली आयरन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा माइल्ड एडजस्टमेंट के साथ हम लोग कर सकते हैं। और अगर इस मार्केट के अंदर कल पूरे दिन रेंज में रहती है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है, तो इस पर भी हम लोग वॉच करके जरूर चल सकते हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें तो मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा, जब टाइम आएगा ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने का आई विल टेल यू, आई विल लेट यू नो ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो प्लीज मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। सो गाइस हैव अ वेरी गुड डे, आपको आई होप वीडियो पसंद आई है। डू फॉलो अस, डू सब्सक्राइब ऑन आर न्यू चैनल, मैं उसका लिंक भी नीचे डालने वाला हूँ। एंड जेन्युइन लोग ही करें, मेरे को चाहिए जो सस्टेन कर पाए, जो साथ रह पाए। जितने सब्सक्राइबर्स हो मुझे उतना ही व्यू काउंट चाहिए ना, उससे कम चाहिए। जो नहीं देख रहे हैं प्लीज अनसब्सक्राइब अभी भी कर सकते हैं। बाय बाय।